बृजभूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योरान को हराया। श्योरान महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। और पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने ऐलान किया। ये ऐलान करते करते साक्षी मलिक भावुक भी हो गईं। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसा कि आज फैसला आया है, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि आपका ही प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर भी वो बृजभूषण का जो बिजनेस पार्टनर है और जो उसका सहयोगी है, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। और मैंने सोचा इस जैसे आदमी अगर रहेंगे तो मुझे कुश्ती नहीं करनी है, क्योंकि इतना सब लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्हीं आदमियों के सामने कुश्ती करना सर मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हूँ, ना मैं गलत करती हूँ और ना मैं गलत होते देख सकती हूँ। कोई रिजल्ट नहीं है सर इसका, अभी देख लो आप, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये है कि अभी तो ये इलेक्शन हुए हैं, अभी हम क्या आवाज उठा सकते हैं। तो वही बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, और महिला प्रेसिडेंट की मांग की थी हमने कि प्रेसिडेंट महिला होनी चाहिए, कि शोषण ना हो आगे से। तो बस तो देख लो महिला प्रेसिडेंट का बृजभूषण ही जीता है, उसको मालाएं डल रही है, उसका स्वागत किया जा रहा है, तो ये चीज देख के मैं बड़ी दुखद हूँ। मुझे पहले ही पता था उसका आदमी है, और अब मेरे बस की बात नहीं है कि आगे मैं कुश्ती भी कर पाऊँ या कुश्ती की जहाँ वो होगा मैं जा भी पाऊँ। जिस कुश्ती से मैंने इतना प्यार किया था, अभी उससे मुझे हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा, जब तक बृजभूषण जैसे आदमी फेडरेशन में है। सर बजरंग ने भी यही बोला है कि उसको पता नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो मैन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसका डिसीजन है, क्या पता वो कर ले। पर सर मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं एक सेंसिटिव लड़की हूँ, मैं ना गलत हो सक होते देखती हूँ, ना मैं कभी करती हूँ गलत। थैंक यू सर अभी के लिए, थैंक यू सर, मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे फिर बात करूंगी 3-4 दिन। थैंक यू।